हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा, और अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी का हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे और फिन निफ्टी में हम लोग जैकपॉट ट्रेड कैसे लाएंगे, है ना। तो उसके लिए पहले चलते हैं, ये देखिए डे का टाइम फ्रेम हम लगा रहे हैं फिन निफ्टी में। और डे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद लोग इसमें देखिए, मार्केट को अगर देखा जाए तो कंटिन्यू ये लेबल मार्केट पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रही, अपसाइड जा रही। और अभी एक ऐसे लेवल पे है जहां मार्केट पहले भी फंसा और गिरा है। देखिए मार्केट यहाँ भी गिरा, नीचे आ गया, यहाँ भी ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ भी जाने कोशिश किया नहीं जा पाया, यहाँ भी जाने कोशिश किया नहीं जा पाया, अभी यहाँ पे फिर से गया है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया लेवल है, जहां से अगर इसकी ब्रेकआउट होती है तो हम लोग 19,500 और इसका ऑल टाइम हाई तक भी देख सकते हैं। यही एक ऐसा लेवल है जो मेक एंड ब्रेक वाला जोन होने वाला है। यही लेवल इसके लिए मतलब एक जबरदस्त लेवल निकल के आने वाला है। तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट क्या रियली अपसाइड का ट्रेड देती है, मूव करती या नहीं करती है ना। तो चलिए पहले हम लोग फिर इंट्राडे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का जैकपॉट हम लोग कैसे ट्रेक कर पाएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं बता दूं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखिए पहले मार्केट को अगर फील करें तो मार्केट का सेंटिमेंट को अगर देखें तो मार्केट प्रीवियस डे देखेंगे तो एक चैनल में कंटिन्यू चली दिन भर और ब्रेकआउट दी 3 PM में, जबरदस्त वाला मूव अपसाइड का मिला और फिर यहीं से मार्केट एक रेड कैंडल बना करके क्लोज हो गई है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे ब्रेक डाउन मिल ही नहीं रहे मेरे को। और ये ट्रेंड लाइन से जब भी ब्रेक डाउन नीचे मिले तब हम लोग एक पुट का एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अप साइड में भी एक ट्रेंड लाइन था जो कि ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया हुआ है ना। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाए जहाँ की अभी क्लोज है 19,150 के आसपास, तो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के साथ ही अगर कहीं मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम लोग 19,200 तक का कॉल के साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और दो ये वाला लेवल में हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट किधर जा रहा है। अगर यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन मिल रही है तो हम लोग तुरंत वहीं से अपना पोजिशन को एग्जिट करके पुट साइड में बैठेंगे, है ना। और हम लोग एक रिवर्सल प्ले करेंगे, यहाँ रिवर्सल एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और वहां से रिवर्सल जो मिलेगा हमें टारगेट कहाँ तक मिलेगा, 19,150, 19,110 और फाइनल टारगेट जो मिलेगा 19,000 का। ये हमें अगर मार्केट रिवर्स लेती है तब का सीन बता रहा हूँ। और अगर कंटिन्यू अपसाइड निकलते चले तो अपसाइड अगर कंटिन्यू निकले तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 19,200 के अबव, फिर 19,260 है, 19,305 है ना। उसके बाद जो 19,340 है और फाइनल टारगेट जो है 19,500, जो कि मार्केट यहाँ तक जाने की संभावना नहीं है लेकिन एक्सपायरी तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा अपसाइड के लिए लेवल है। मार्केट अगर 19,150 से बिलो अगर नीचे निकलना शुरू हो जाए, है ना, तो हम लोग पुट साइड में ट्रेड करना शुरू करेंगे। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 19,110 के बिलो ही ट्रेड करेंगे, है ना। ये रिस्की प्लेयर के लिए हमने डिस्कस किया। तो 19,100 के बिलो अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आता है वो 19,050 है, दूसरा टारगेट हमारा 19,000 है और तीसरा टारगेट 18,935 है। तो ये तीन टारगेट है। और यहाँ भी 19,000 और 18,935 के आसपास अगर कहीं कोई हेम्बर कैंडल बना दिया तो मैं बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया हूँ कि बाय ऑन डीप, मतलब मार्केट जितना नीचे मिले आप बाई कर लीजिए अपसाइड के लिए, मार्केट अपसाइड के लिए, है ना। उसके बाद मार्केट अगर गैप अप हो जाती है, गैप अप होने के बाद मान के चलिए 19,200 के आसपास ओपनिंग हो जाती है, तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करेंगे, जिधर ब्रेकआउट देगा उधर का ट्रेड करेंगे, या ब्रेकडाउन मिले या ब्रेकआउट मिले और लेवल वही हमारा होगा। दूसरा,
अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, है ना, अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन जैसे कि 19,100 के आसपास हो जाए, 19,100 के आसपास हो और कहीं मार्केट वहां से नीचे आना शुरू करे, तो तुरंत हम लोग पुट के साइड में ट्रेड लेंगे और 19,000 और 18,935 तक का टारगेट, ये हमारा इनिशिएट मतलब तुरंत का मैं बता रहा हूँ, है ना, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि जो जीरो हीरो या जैकपॉट हम लोग कैसे ट्रैक कर पाएंगे, जैकपॉट ट्रेड जो हम लोग कैसे करेंगे, एक्सपायरी वाला जैकपॉट, है ना। तो इसमें क्या है कि पहला मार्केट अगर लगभग 2 घंटा, 2 से 3 घंटा एक ही रेंज में, लगभग 100 और 150 पॉइंट के रेंज में टाइम पास करते रह जाए, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट में पहला कि बैंक का क्या मोड है, बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा चीज, मार्केट अपना प्रीवियस लो को ब्रेक की है या नहीं की है। तीसरा, ऑप्शन चेन। चौथा, बैंक निफ्टी सेम मूव कर रही है या नहीं है, है ना, बैंक निफ्टी इसके साथ दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये सारे चीजों को कंबाइंड करने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे 20 से 30 रुपया वाला प्रीमियम, 20 से 30 रुपया वाला प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे और जिधर ब्रेकआउट मिले उधर का ट्रेड लेंगे हम लोग और फिर उसको जैकपॉट बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी इस एनालिसिस को आप समझ पा रहे हो या समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।